अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ पत्ता गोभी गोश्त की सब्ज़ी, जो बहुत मज़े की तैयार होती है और ये सूखा गोश्त बहुत टेस्टी बनता है, तो आप भी इसे बनाइएगा। ये रेसिपी बनाने के लिए हमने कुकर गरम करने रख दिया है और कुकर में हम ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून तेल। तेल गरम होने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे 2 तेज़पत्ता, 2 दालचीनी के टुकड़े, 1 बड़ी इलायची, 1 स्टार फुल और 1/2 टीस्पून ऐड करेंगे ज़ीरा। कुछ सेकेंड तड़कने के बाद अब हम इसमें ऐड कर देंगे प्याज। तो यहाँ पर मैंने 1 बड़ी प्याज ले ली है कटी हुई और प्याज को हम भून लेंगे गोल्डन कलर आने तक। तो ये देखिए प्याज को गोल्डन कलर आ गया है, तो इतना हमें प्याज को यहाँ पर भून लेना है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे मटन। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है 300 ग्राम मटन। तो यहाँ पर मैं बोनलेस मटन का मैंने इस्तेमाल किया है, जो इसमें बहुत ही पत्ता गोभी में टेस्ट अच्छा आता है। तो आप चाहे तो बोन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या इस तरह से बोनलेस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब हम इसे अच्छी तरह से भूनेंगे 4 से 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर। ये देखिए इस तरह से जो गोश्त है उसका कलर चेंज हो जाएगा। 4 से 5 मिनट हाई फ्लेम पर भुनने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और फिर से हम इसे भूनेंगे 1 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर, ताकि जो अदरक लहसुन का कच्चापन है वो भी ख़त्म हो जाएगा और जो स्मेल होती है वो नहीं आएगी। और ये हमने 1 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर भून लिया है। अब हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे। तो नमक लेंगे हम स्वाद अनुसार, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर और 1/4 टीस्पून हम लेंगे गरम मसाला पाउडर। तो सभी पाउडर मसाले और नमक हम इसमें डाल देंगे। साथ में हम इसमें ऐड करेंगे 4 हरी मिर्च कटी हुई और अब हम इसे फिर से भूनेंगे जब तक कि तेल अच्छी तरह से रिलीज़ नहीं होता। ये मसाले को हम यहाँ पर भून लेंगे, लगभग 1.5 से 2 मिनट लगेगा मसाला भूनने में। ये देखिए अच्छी तरह से तेल रिलीज़ हो गया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे पानी, ताकि गोश्त जो है वो अच्छी तरह से गल जाए। तो यहाँ पर 1 गिलास पानी का मैंने इस्तेमाल किया है और अब हम कुकर की लिड बंद कर लेंगे और अब हम इसमें 4 से 5 प्रेशर ले लेंगे मीडियम फ्लेम पर, ताकि गोश्त अच्छी तरह से गल जाए। तो 5 प्रेशर मैंने ले लिया था। ये देखिए पूरा पानी भी ड्राई हो गया है और जो एक्स्ट्रा पानी था उसे भी मैंने ड्राई कर लिया है हाई फ्लेम पर। और अब हम इसे भूनेंगे 1 से 1.5 मिनट के लिए, जब तक कि अच्छी तरह से तेल रिलीज़ नहीं होता। तो ये देखिए जब तेल रिलीज़ हो गया तब मैंने इसमें ऐड कर दिया टमाटर। तो ये 1 टमाटर मैंने लिया है। साथ में हम इसमें ऐड कर देंगे पत्ता गोभी। तो यहाँ पर 1.5 कप मैंने कटी हुई पत्ता गोभी ले ली है और अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स करते हुए भूनेंगे 2 मिनट के लिए, ताकि जो पत्ता गोभी है वो भी अच्छी तरह से मसाले में मिक्स भी हो जाएगी और अच्छी तरह से यहाँ पर भुन भी जाएगी। तो 2 मिनट तक आपको इसे भून लेना है। 2 मिनट भुनने के बाद अब हम इसमें ऐड कर देंगे थोड़ा पानी, लगभग 3 टेबलस्पून मैंने इसमें पानी ऐड कर लिया है और मिक्स कर लेंगे। पत्ता गोभी गलने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा और गोश्त हमने पहले ही गलाकर अच्छे से भून लिया था। तो यहाँ पर अब हमें बस पत्ता गोभी को मिक्स कर लेना है अच्छे से और फिर से हम इसे ढककर पकने देंगे 6 से 7 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पर। 6 से 7 मिनट तक मैंने बिल्कुल लो फ्लेम पर पकने दिया था और ये हमारी मज़ेदार पत्ता गोभी गोश्त की सब्ज़ी बनकर तैयार है। ये देखिए सभी चीज़ें अच्छी तरह से गल गई है। तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे कटा हुआ हरा धनिया और फिर से हम इसे करेंगे मिक्स। तो आप भी इसी तरीके से ये गोश्त पत्ता गोभी की ज़रूर भाजी बनाएं और आपको ये मज़े की रेसिपी बहुत लगेगी, तो आप इसे ज़रूर बनाइएगा। और अब हम गैस की फ्लेम बंद करके इसे गर्मा गर्म करेंगे सर्व। आप इसे सर्व करें पराठे के साथ, नान के साथ। और आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।